नमस्कार और बनेगा स्वस्थ इंडिया के खास एडिशन द यंग चैंपियंस ऑफ हाइजीन में आपका स्वागत है। आज हम अच्छे जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा कर रहे हैं जिस पर अक्सर हम ध्यान नहीं देते और वो है स्वच्छता। ये सिर्फ एक दिनचर्या नहीं है बल्कि एक पावरफुल टूल है जो हर बच्चे को स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त बनाता है। कल्पना करें, भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 30 मिलियन से अधिक छात्र स्वच्छता और स्वस्थ आदतों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं और इसके महत्व को अपना रहे हैं। सीधे शब्दों में कहें तो डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड देश का सबसे बड़ा हाइजीन ओलंपियाड है। गणतंत्र दिवस विशेष में हम आपको स्वच्छता के चैंपियन डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड 2.0 के विजेताओं से मिलने के लिए हमारे देश के कोनों तक ले जाएंगे। इस यात्रा में आप मिलेंगे 3 युवाओं को जो साहस और सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रतीक हैं। स्वच्छता साक्षरता में जानकारी की कमी को दूर करने के लिए यह ओलंपियाड 5 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है। घर पर स्वच्छता, स्कूल में स्वच्छता, पड़ोस में स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता, बीमारी के दौरान स्वच्छता। ओलंपियाड में प्रतियोगिता के 5 स्तरों के टॉप 3 विजेताओं को मुंबई में आमंत्रित किया गया और NDTV डेटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया कैंपेन के 10वें सीजन के शुभारंभ पर उन्हें सम्मानित किया गया। लेकिन असली जश्न तब शुरू हुआ जब वे घर लौटे। हर एक का स्वागत एक नायक के रूप में किया गया। यह ना सिर्फ बच्चों के लिए जीत का मौका था बल्कि अच्छी स्वच्छता आदतों के लिए भी एक जीत थी। हर एक की जीत यह तय करेगी कि भारत के हर कोने के बच्चे हाथ धोने के महत्व को समझें और अपने रोजमर्रा के जीवन में स्वच्छता और स्वास्थ्य की अवधारणाओं को अपनाएं। अपने पहले विजेता से मिलने के लिए हम लद्दाख के लेह की यात्रा करते हैं। 12 साल के स्टैंजिन पोजांग स्पितुक मॉनेस्ट्री में कक्षा 5 का छात्र है। आइए देखते हैं जो इनकी ये एफर्ट्स है किस तरह का बदलाव ला रही है। ऊंचे पहाड़ और हरियाली से भरी घाटियों का एक खूबसूरत दृश्य जहां बहने वाली शांत शीतल और स्वच्छ झीलें लेह लद्दाख की प्राकृतिक सुंदरता का प्रमाण है। और इसी बीच हम लेह से करीब 8 किलोमीटर दूर स्पितुक के एक छोटे से गांव में पहुंचे। स्पितुक मोनास्ट्री के लिए मशहूर ये गांव, जिसे स्पितुक गोम्पा या पेथुक गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है, यह बौद्ध मठ 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। भिक्षुओं के लिए पूजा स्थल होने के अलावा ये मठ और स्कूल स्थानीय छात्रों की मदद करने में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। स्टैंजिन एक ऐसा छात्र है जो हिमालय के सुंदर इलाकों से यहाँ पढ़ाई करने आया था और अब 5वीं कक्षा से इस होनहार छात्र ने भारत के सबसे बड़े स्वच्छता ओलंपियाड डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड के दूसरे संस्करण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। यह प्रतियोगिता पूरे भारत के 10 स्कूलों में हुई जिसमें 500 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। स्टैंजिन ने अपनी कक्षा में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए एक हाइजीन कॉर्नर और एक यूनिक कॉन्सेप्ट सोप बैंक के साथ इसकी पहल की। स्टैंजिन ने साथी छात्रों और शिक्षकों के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि एक कोना वेल मेंटेन रहे और सभी के लिए सुलभ हो। हमें कैसे हेल्दी रहना है, खाना खाते समय कैसे हाथ धोना है, कितने टाइम धोना है, कितने स्टेप होते हैं वो सिखाता हूँ। ब्रश कितने स्टेप होते हैं और ब्रश क्यों करना चाहिए, किस कारण, और हमें नील कटर क्यों करना है, क्योंकि हम खाना खाने से पहले हाथ धोएगा तो क्यों करना है। हम हेल्दी भी रहेंगे, ब्रश कर सुबह और शाम दोनों को करेंगे तो दांत भी नहीं सड़ेगा, एक वो काम है। और जो हम नहीं काटेंगे नील को हमने सिनों को, जिस उसका कारण यह है कि इसके अंदर जो जम्स है, जहाँ हम खाना खाते समय पूरा मुंह के अंदर चला जाता है, फिर हमें बीमार वैसा कुछ आता है उसलिए, क्योंकि इसके अंदर जम्स रहता है, खाते समय जम्स हमारे मुंह में चला जाता है, फिर हमें जैसे बुखार जिम्मों कुछ ज़्यादा आता है उसलिए मिल्क हमें ये मिल्क कटर दिया है जिससे हमारा सिर मुँह कट जाता है।
हमारे स्कूल में डिटोल हाइजीन की ओर से यहाँ एक एग्ज़ाम हुआ, तो इसमें हमारे सारे बच्चे मतलब फर्स्ट से फिफ्थ तक सारे बच्चे ने मतलब भाग लिया, तो उसमें हमारे ये तंजिन पुसंग जो है वो मतलब सेकेंड पोजीशन पे तो उस सेलेक्ट हुआ। तो हम ये बच्चे लेके बॉम्बे चले गया, तो वहाँ मतलब इस बच्चे के लिए मतलब ये बहुत खुश नसीब समझता हूँ, क्योंकि ये पहली बार जहाज में चला, फिर वहाँ बॉम्बे में बड़े बड़े बिल्डिंग देखा। पहले तो ये दंग रह गया कि मतलब कहाँ पहुँच गया। तो मतलब ऐसे है कि मतलब ये बहुत एक्सपीरियंस है बच्चे के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा शिक्षा जो है हर मतलब सभी को मतलब ये शिक्षा मिलना चाहिए। ये मिलने से सभी मतलब लाभदायक है। डिटोल बनेगा स्वस्थ इंडिया, हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इनके माध्यम से हमें ये सब अपॉर्चुनिटी मिला है। सर्दियों के दौरान स्टैंजिन अपने माता पिता के साथ रहने के लिए अपने घर डैपलिंग लौटता है, जो अपनी शिक्षा के लिए भौगोलिक चुनौतियों का सामना करने वाले यंग लर्नर्स के डेडिकेशन को दिखाता है। स्टैंजिन की इस पहल ने न सिर्फ उसके परिवार का मान बढ़ाया है, बल्कि उसके पूरे समुदाय पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ा है, जिससे हमारे रोजमर्रा के जीवन में स्वस्थ शिक्षा की भूमिका की अहमियत को हौसला मिला है। लद्दाख के पहाड़ों से लेकर तेलंगाना के जंगलों तक दिनेश की कहानी साहस की कहानी है। हाइजीन ओलंपियाड 2.0 में दिनेश की जीत ने उसी पहली बार अमराबाद फॉरेस्ट रिजर्व से बाहर निकलने का और अलग सी दुनिया देखने का मौका दिया। तेलंगाना के अमराबाद टाइगर रिजर्व के इस सरकारी स्कूल में संक्रांति ब्रेक से पहले स्कूल असेंबली की बैठक हुई, जो खास तौर पर आदिवासी बच्चों के लिए है। ये स्कूल की प्रिंसिपल पद्मावती के लिए अपने छात्रों और उनके अभिभावकों को यह बताने का अवसर है कि उज्जवल भविष्य का निर्माण रोजमर्रा की स्वस्थ आदतें विकसित करने से होता है। 16 वर्षीय दिनेश का उदाहरण हमारे सामने है, जो अभी खम्मम जिले में एक इंटर स्कूल विज्ञान महोत्सव में भाग लेने के बाद लौटा है। 10वीं कक्षा का यह छात्र अपने साहस और सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण दूसरे छात्रों के लिए एक आदर्श बनकर उभरा है। जब दिनेश की उम्र सिर्फ 2 साल थी, तब उसके साथ एक भयानक दुर्घटना घटी, जिससे उसका शरीर 70% तक जल गया था। उनके पिता ने कहा कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम थी। 3 महीने तक वह हैदराबाद के अस्पताल में था। उन्होंने कहा कि वह जिंदा नहीं रह पाएगा। मेरे पास पैसे नहीं थे, इसके बावजूद मैंने 8-9 लाख रुपए खर्च कर दिए, लेकिन वह गंभीर चोटों से उभर नहीं पाया। 2 साल तक वह बिस्तर पर ही रहा। उसका चेहरा, पैर, हाथ सब जल गए। वह न तो चल सकता था और न ही अपने हाथ पैर का इस्तेमाल कर सकता था। हम कुरनूल गए और उसका दोबारा ऑपरेशन कराया। अब वह थोड़ा बेहतर है। दिनेश ने एक छोटे बच्चे के रूप में भी बुरी स्थिति से जूझने की अपनी क्षमता दिखाई और जीवित रहा, लेकिन अगले साल एक और त्रासदी ने उसे तोड़ दिया। जब दिनेश सिर्फ 5 साल का था, तब उसकी माँ का निधन हो गया। जब मैं छोटा था, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मेरे पिता मेरा पूरा ख्याल रखते थे। उन्होंने मुझे सुझाव दिए कि जीवन को कैसे जीना है, और विशेष रूप से मेरे शिक्षक काफी मुझे प्रेरित करते रहे हैं। वह मुझे और मेरे कक्षा के सभी साथियों को बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मन्नानूर में तेलंगाना राज्य कल्याण आवासीय शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों ने आदिवासी बच्चों के सर्वेक्षण के दौरान उसकी पहचान आउट ऑफ स्कूल बच्चे के रूप में की थी और उसे स्कूल में लाया गया। इसके बाद उसका जीवन बदल गया, लेकिन यह आसान नहीं था। दिनेश को ना सिर्फ कॉस्मेटिक कारणों से कम मोटर मूवमेंट के साथ काम करने में सक्षम बनाने के लिए कई सर्जरी से गुजरना पड़ा। प्रिंसिपल के कमरे में दिनेश द्वारा देश भर के 30 मिलियन बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करके जीता गया यह 50,000 रुपए का चेक गौरवपूर्ण स्थान रखता है, और न सिर्फ छात्रों बल्कि शिक्षकों के लिए भी प्रेरणा और गर्व का प्रतीक है। 10 लाख छात्रों में से वह प्रथम स्थान पर आया। वह गांधी जयंती के अवसर पर मुंबई गया और पुरस्कार राशि के रूप में उसे 50,000 रुपए मिले। हमारे स्कूल का नाम हुआ। इस लड़के को एक आदर्श के रूप में लेते हुए
दूसरे चंचू छात्र प्रेरित हुए कि उन्हें भी ऐसी ऊंचाई हासिल करनी चाहिए। शिक्षा बहुत जरूरी है और उन्हें पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। दिनेश ने डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड जीतने के अपने सफर के दौरान जो सीखा उसे उसने अपने साथी छात्रों के साथ साझा किया है। उसने उनके साथ यह साझा किया है कि स्वच्छता और स्वास्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। मैं मुंबई गया था अपनी प्राइज मनी लेने। वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखकर मैं काफी सरप्राइज हुआ। हम सब जानते हैं कि वो शहर फाइनेंशियल कैपिटल से जाना जाता है। तभी मैंने सोचा कि मुझे अपने गोल्स भी हाई रखने हैं, लो नहीं। दिनेश का मंत्र सरल है, आप जो करते हैं उसका आनंद लें, चाहे वे शिक्षा हो, खेल हो, स्कूल हो, जिम हो या बस दोस्तों के साथ घूमना हो। हम जंगल के अभिभावक हैं। मैं भी आदिवासी कम्युनिटी चेंचू से बिलोंग करता हूं। मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए काम करना चाहता हूं। मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, जिससे अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर सकूं। ऑफिसर, आई वांट टू डेवलप माय कम्युनिटी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबकि स्वच्छ भारत अभियान या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे अभियान सामाजिक परिवर्तन पर काम करते हैं, लेकिन कई बार जो इंडिविजुअल एफर्ट्स होते हैं किसी व्यक्ति के, वो पूरे समुदाय यानी कि पूरी कम्युनिटी पर असर डालता है। आइए मिलते हैं अमरोहा उत्तर प्रदेश की सफीना बतूल से, जो पहले स्थान पर आई थी अपनी कैटेगरी में हाइजीन ओलंपिया 2.0 में। देखते हैं उनकी कहानी। अमरोहा यानी कमाल अमरोही का शहर, अमरोहा यानी जॉन एलिया का शहर, अमरोहा यानी दुनिया के 150 से ज्यादा वैरायटी के आम खिलाने वाला शहर। पुरानी हवेलियों और इमारतों के इस ऐतिहासिक शहर में सितारे जमीन पर उतर आए हैं। अमरोहा के पापड़ी इलाके में एक और सितारा चमकने लगा है, इस शहर की नई पहचान बनकर। साइकिल पर सवार 12 साल की सफीना बतुल बनेगा स्वस्थ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। सफीना ने डेटॉल हाइजीन ओलंपियाड 2.0 में 50,000 रुपए की इनामी रकम जीती है। माँ की आंखों में आंसू हैं और बेटी सफीना की आंखों में हर रोज बड़े हो रहे ख्वाब। मतलब मैं आईपीएस और या फिर आईएएस बनना चाहती हूँ बीएससी क्लियर करने के बाद। वो तो रैंक पे डिपेंड करता है कि कितनी रैंक आए, मेहनत पे डिपेंड करता है कि हमारी मेहनत होगी, ज़्यादा होगी तो हम आईएएस बनेंगे, उससे कम होगी तो हम आईपीएस बनेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो मैं आईएएस या फिर आईपीएस बनके ये करना चाहती हूँ, जैसे अमरोहा या फिर हमारे बस्ती में वैसे तो साफ़ सफाई रहती है, लेकिन कहीं कहीं कूड़ा होता है, जैसे कुछ लोगों के घर के पास या फिर कूड़ी वगैरह बन जाती है, वो कहीं पर लोग कूड़ा डालना शुरू करवा देते हैं, उसके लिए ट्रक वगैरह मेंचोर करवाना और मतलब उसके लिए एक जंगा वो करवाना, मतलब उसको अपने देश से निकाल देना चाहती हूँ, अपनी ये जो गंदगी होती है उसको अपने देश से निकाल देना चाहती हूँ। जी मुझे यकीन नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छा हुआ कि मेरी बेटी ने मेरा नाम रोशन किया, माँ बाप का भी और पूरे ही नौगावा सादात का, यूपी का, अमरोहा का। सफीना के सपने बड़े तो हैं, लेकिन परिवार की मुश्किलें भी उतनी ही बड़ी नजर आती हैं। एक कमरे के मकान में सफीना अपनी तीन छोटी बहनों और माता पिता के साथ रहती है। सफीना के पिता इमरान अली गणित के शिक्षक हैं और अमरोहा जैसे छोटे शहर में सिर्फ 5,000 की तनख्वाह से गुजारा चलता है। डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया से जीता इनाम सफीना के नाम से बैंक में जमा किया गया है। अब तक गुमनामी में जी रहे इस परिवार को जो शोहरत मिली है उसने इन सब के हौसलों में नई जान भर दी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये बच्ची इस हद तक चली जाएगी, तो हमारे पूरे खानदान को और परिवार को इतनी खुशी और एक मसर्रत महसूस हुई कि हमको ऐसा लगा कि ये बच्ची जो है हमें बहुत आगे तक पहुंचाएगी और अपना और अपने देश का नाम
रोशन करेगी और अपनी छोटी बहनों को भी आगे ले जाएगी, इसी उम्मीद पे हम जी रहे हैं। हालांकि हम ये चाहते हैं कि इसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दें ताकि ये पढ़ लिख के अपने मंजिल तक पहुंच जाए, बस ये चाहते हैं हम। मुझे बहुत खुशी हुई और पूरे अमरोहा में नवाम सादात में ऐसा पहली बार हुआ है और मुझे अपनी बेटी पे बहुत ज़्यादा गर्व है, बेटी ने मेरा नाम रोशन बहुत ज़्यादा किया। खेल के मैदान से लेकर पढ़ाई, सफाई, हाइजीन और सबको साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी सफीना ने अपने कंधों पर ले रखी है। सफीना अपनी छोटी बहनों को पढ़ाती भी है और उन्हें छोटी छोटी बातों से बड़ा बनने का सपना भी दिखाती है। तो उसमें मतलब उसमें सबसे पहली चीज सफाई होती है। हम किसी भी धर्म में हैं, सफाई 5 तरीके की होती है। पहली अपनी सफाई, दूसरी अपने आसपास की सफाई, तीसरा अपने घर की सफाई, चौथा अपने स्कूल की सफाई और पांचवे जो बीमार लोग हैं उनकी सफाई। डिटॉल हाइजीन ओलंपियाड की जीत ने सफीना और उसकी दो जुड़वा बहनों के लिए नौगांव सादात की तंग गलियों से मदरसा बाबुल इल्म का फासला आसान कर दिया है। ये बात तो स्कूल के शिक्षक और यहाँ तक कि वाइस प्रिंसिपल भी कहते हैं कि मदरसे के 110 साल के इतिहास में सफीना का नाम यहाँ के बेहद हुनरमंद बच्चों में शुमार होता है, तभी सफाई की उसकी कोशिशें यहाँ रंग लाने लगी हैं। इस बच्ची की वजह से पूरे मदरसे के बच्चों में एक सफाई अभियान शुरू हो गया है। सब अपने हाथों की, जिस्म की सफाई, खुद मदरसे की, आपने देखा कि मदरसे में सब जगह सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और बच्चों को लगा कि खाली एजुकेशन और इल्म ही नहीं है बल्कि सफाई भी इंसान को आगे बढ़ाती है। सफाई, पढ़ाई, गांव, शहर और देश, ये सब एक ही मंजिल के कई मुकाम हैं। ये छोटी लड़कियां इस बात को बहुत जल्द समझ गई हैं और अब देशभक्ति के गीत गाकर भी सफाई का अलख जगा रही हैं। ये बस कुछ कहानियां थी उन विनर्स की जिन्होंने हाइजीन ओलंपिया 2.0 में हिस्सा लिया। लेकिन अगर आप सोचें 30 मिलियन बच्चों ने जिन्होंने हाइजीन ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया, वो सब विजेता हैं। उन्होंने जिंदगी की बहुत बड़ी सीख सीखी है और वो है कि हाइजीन कितना जरूरी है और उन्हें किस तरह हाइजीन को अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करना चाहिए। तो अगले हाइजीन ओलंपियाड तक आप अपने सराउंडिंग्स को साफ रखें और हाथ धोना ना भूलें। हमारा शो देखने के लिए धन्यवाद।